मेष राशि, आपको सर्वशक्तिमान के संदेश अपने किसी निकट के व्यक्ति से मिल रहे हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए ग्रहणशील रहें और निर्देशों का पालन करने की कोशिश करें। आपको अपने कार्य योजना में परिवर्तन करना होगा ताकि कोई गलती ना हो जाए जिसे आप पूर्ववत नहीं कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति और खर्च में अच्छा संतुलन बना रहेगा। हालांकि आप खर्चीले साबित हो सकते हैं, लेकिन आज अप्रत्याशित स्रोतों से भी आपको आय की प्राप्ति हो सकती है। वृषभ राशि, ये आपके लिए एक महान दिन है। आप दूसरों को अपने विचारों और अवधारणाओं को पेश करने के लिए इस अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हो सकता है कि आपकी मासूमियत और ईमानदारी व्यंग और आक्रामकता के रूप में लोगों को लगे, क्योंकि ये लोग आपसे ज्यादा परिचित नहीं है। इसलिए सावधान रहे, क्योंकि हो सकता है स्थितियां उस अनुपात में आपका साथ आज ना दें। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए एक विवादास्पद दिन हो सकता है। आपका किसी के लिए बुदबुदाना या क्रोधित होना व किसी दूसरे के माध्यम से उन्हें पता चलने पर आपका पेशेवर जीवन बर्बाद भी हो सकता है। इसके अलावा आप किसी से किसी और का रहस्य खोल सकते हैं जो कि सही नहीं होगा। इसलिए आसपास के लोगों से उचित दूरी आज बनाकर रखें। कर्क राशि, यात्रा और यात्रा से जुड़े किसी भी व्यवसाय के लोगों के लिए ये अच्छा समय है और आप इससे अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। आप उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयासरत रहें और जिससे आप जल्द ही कुछ लाभ भी पा सकते हैं। आप संपत्ति या कीमती धातुओं में भी आज निवेश कर सकते हैं। सिंह राशि, आप अपने परिवार के हित और अपने व्यवसायिक हित के बीच अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे। अपने परिवार के कल्याण को चुनें और थोड़ी देर के लिए अन्य बातों को ठंडे बस्ते में डाल दें। आज आप बोली भी लगा सकते हैं, उसमें जीतने की भी आज संभावना दिख रही है। इस समय किए गए सभी निवेश आपको भविष्य में अच्छी तरह से लाभान्वित करेंगे। कन्या राशि, आपको विदेशी भूमि में स्थापित प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ कार्य करने के लिए प्रस्ताव मिल सकता है और आपके विदेश में बसने का आपका सपना सच हो सकता है। हालांकि दस्तावेज से जुड़े कुछ मुद्दों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है, लेकिन इन मुद्दों का समय रहते हल हो जाएगा और जब आपको सब कुछ मिल जाएगा जिसे आप चाहते थे, तो धन की वर्षा भी आप पर होने लगेगी। तुला राशि, पिछले कुछ दिनों से अलग अलग दिशाओं में आपका मन भाग रहा है और निर्णायक निर्णय लेने में आप असमर्थ रहे हैं। बहरहाल आज आपको दृष्टि की एक दुर्लभ स्पष्टता का अनुभव होगा और आप अपने कार्यस्थल पर मुद्दों के बारे में स्पष्ट और उचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपको किसी से अच्छी करियर सलाह मिलने की भी संभावना आज दिख रही है। आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने की संभावना है जो आपके भविष्य में करियर के लिए बहुत प्रभावशाली साबित होगा। वृश्चिक राशि, आज आपका वित्त और धन अस्थिर रह सकता है और आप अपने आप को नुकसान की स्थिति में पा सकते हैं। इसलिए आज आप सतर्क रहें। आपका परिवार हमेशा आपके साथ है और आपके बचाव में खड़ा रहेगा। आप बहुत जल्दी इस घाटे को पूर्ण करने में सक्षम होंगे। यदि आप एक व्यवसायी हैं, तो आपके लिए एक अतिरिक्त कदम उठाने के लिए आपके कर्मचारी आपके साथ रहेंगे। आप उनके साथ विनम्र रहें और समय आने पर उन्हें उचित इनाम अवश्य दें। धनु राशि, आप आगे बढ़ रहे हैं, वहीं लोग आपको नीचे खींचने की और कोशिश कर सकते हैं। मौखिक विवाद में आज ना फंसें, आप प्रयास करें कि आपका कार्य बोले। आप एक स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से आपको नीचे धकेल पाना मुश्किल होगा। अच्छा काम यूं ही करते रहें, अपने सहयोगियों और अधीनस्थों के साथ सौहार्द बनाएं और मधुर वाक्यों का प्रयोग करें। मकर राशि, आज्ञाकारी होना अच्छा है, लेकिन दूसरों के मुताबिक काम करना सही नहीं है। आप और आपके विचार सबसे अलग हैं। आपको जो सही लगे वो ही आज आप करें। आप अपने व्यय योजना में अपने खर्चों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सकारात्मक वित्तीय बदलाव आए। इसलिए आगे बढ़े और योजना को आज अंजाम दें। कुंभ राशि, जब आप एक नई परियोजना में तल्लीन हो जाएंगे तो शायद ही अन्य बातों के लिए आपको समय मिलेगा। आपको सावधान रहने की जरूरत है कि रास्ते में आ रही किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। ये एक उच्च स्थान प्राप्त करने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण संदेश भी हो सकता है। वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे। मीन राशि, आज आप अपने सहयोगियों और ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। आज कुछ नया काम करने के लिए दिन शुभ है।
जिसमें आपके प्रभावशाली कौशल की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि जो लोग बीमार हैं वो घर से काम शुरू कर सकते हैं। इससे अप्रत्याशित रूप से आपके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा और उस समय की बचत भी होगी जो यात्रा में बर्बाद हो रहा था। आपका दिन मंगलमय हो।